बंजा साहब भी शायद वक्ती तौर पर बन जाए, लेकिन वो भी उसको पता चलेगा कि मुल्क अगर गैर करते हैं कोई वजीर आजम क्यों हैसियत ही नहीं है। वो कहते हैं ये हमारा मुलाजिम है, हमने तनख्वाह के ऊपर इसको रखा हुआ है, हमने इसको इलेक्शन जितवाए हुए हैं। पाकिस्तान की कौम जाग उठी है, मुश्किलात का सामना होगा जनाब अस्करी क्यादत साहब, मुश्किलात का सामना होगा। पंजाब से आवाज उठेगी, बलोचिस्तान से उठ रही है, केपीके से उठेगी, कराची और सिंध से उठेगी, आज नहीं उठेगी कल उठेगी। पाकिस्तान की फौज पाकिस्तान की न माँ है न बाप है, पाकिस्तान के सियासतदानों ने मुल्क को जन्म दिया है, इस फौज को भी जन्म दिया है। ये चाहते हमारी फौज का कोई हक नहीं है, 5 साल से पीछे पड़े हुए हैं नवाज शरीफ के मुस्लिम लीग की हुकूमत के, मैं गवाह हूं इसका, मैं गवाह हूं। या तो उन्होंने ये मुल्क बनाया होता या कोई जंग जीती होती, हजारों लोग करोड़ों अब बलोचिस्तान के अंदर इधर उधर जस्ती कैसे पार्टियां बनाई हैं उन्होंने मुल्क को मजीद तबाह किया है। हम बात भी नहीं करें, मुल्क को तबाह करने के बाद वो कहते हैं हम मालिक हैं, इस मुल्क के अवाम इस मुल्क के मालिक हैं। जो दुनिया कर रही है हुकूमतें करने का तरीका, हमारी फौज को भी वही करना पड़ेगा, उनको सर झुकाना पड़ेगा, सिविलियन गवर्नमेंट के आगे सर झुकाना पड़ेगा, सलूट करना पड़ेगा। हमारे पैसों पे नौकरियां करके हमारी हुकूमत भी वो चलाती है। आप चाहते हैं चुके एक आ गया ये तू आप मुझे चुप करा लेंगे, आप अपने मकाम समझे, इज्जत करें, इज्जत करवाए, इज्जत ना करें, इज्जत ना हो।